हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजमत। कुछ बर्ड्स को फॉल फॉक्स डिसीज आई है। आपको डिसीज दिखाऊंगा और उसका इलाज भी क्या करते हैं, ये देखिए क्या क्या करना है आपको जब भी फॉल फॉक्स डिसीज। अभी जो गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ है, अभी यहाँ से फॉल फॉक्स डिसीज बहुत ज़्यादा आती रहती है दोस्त। बहुत सिंपल बीमारी रहती है, मतलब अगर से आप ट्रीटमेंट कर लोगे ना ठीक तरह से, जैसे बताऊंगा उस तरह से ट्रीटमेंट कर लोगे तो बिल्कुल जल्दी से कम हो जाएगी। वरना अगर से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो काफ़ी बर्ड्स की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए देखिए वीडियो का आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको जब भी फॉल फॉक्स डिसीज देखना हो ना, एकदम बेहतरीन वक्त रहता है कि शाम का टाइम, जब रात में बर्ड्स पूरे बैठ जाते हैं एक जगह पर, आप जब टॉर्च डाल के उसकी चोंच के ऊपर, मुंह के ऊपर फूसियों के टाइप होते हैं, वही फॉल फॉक्स कहते हैं उन्हें। अभी मैं आपको बैक कैमरा से नाइट में दिखाऊंगा कि फॉल फॉक्स किस तरह से पहचानना है आपको। पहले ये देखेंगे, उसके बाद इलाज देखेंगे। अभी देखिए दोस्त, नाइट में आपको बर्ड्स को इस तरह से पकड़कर आराम से देख सकते हो कि वो बैठे जगह भी देख सकते हो, उसके ऊपर मुंह के ऊपर फूसियों के टाइप हुआ है या नहीं हुआ है। कहकर आप जब फर्स्ट बर्ड को देखे हो वाइट कलर की, उसके ऊपर फूसियाँ थे, इसको नहीं दिख रहा है। और इसको देख लेते हैं एक बार मुंडी पलटा कर, मुंडी पे ही होते हैं जैसे फेस के ऊपर, तो इसे देख लेते हैं एक बार। पहले वाइट कलर की बर्ड को एक को हुआ था, और भी काफ़ी बर्ड्स को हुए हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर देखिए इसके नाक के ऊपर थोड़ा सा दाग दिख रहा है, तो इसके ऊपर भी हुआ है। काफ़ी बर्ड्स है इसलिए मैं जल्दी जल्दी चेक कर रहा हूँ सारे बर्ड्स को। जितने भी बर्ड्स को फॉल फॉक्स के फूसियाँ दिख रहे हैं ना, वो फूसियों के बर्ड्स को क्या कर रहा हूँ, पकड़ ले रहा हूँ मैं। उसके बाद वो बर्ड्स को क्या करेंगे, हम अलग पोजीशन में लेके जाएंगे। यहाँ पर जो हमारे दोस्त के हाथ में दिख रहे हैं वो पूरे फॉल फॉक्स के लिए, वीडियो की क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है ताकि नाइट में दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, इसीलिए। तो ये पूरे फॉल फॉक्स के मैं पकड़ ले रहा हूँ मुर्गियों को। तो आपको भी इसी तरह से करना है, आपके सारे बर्ड्स में से एक को भी थोड़ा सा भी फॉल फॉक्स का दाग दिखा है ना, वो सारे बर्ड्स को पकड़ लेना है दोस्त। एक दाग भी नहीं रहना है मुर्गी के ऊपर, ताकि फॉल फॉक्स इतनी डेंजर होती है, एक मुर्गी को आ जाए ना विद इन एक से लेके दो दिन में ही सारे बर्ड्स को फैल जाते रहती है दोस्त। इसीलिए बिल्कुल ये मुर्गे को थोड़ा सा सीआरडी के लक्षण दिख रहे हैं, थोड़ा सा नाक में से पानी दिख रहा है, मैं इसे भी ले लेता हूँ ताकि इसकी वजह से सीआरडी भी, जिस भी बीमारी हो ना, फॉल फॉक्स हो जाए, सीआरडी हो जाए, रानीखेट हो जाए, कोई भी बीमारी हो जाए, बीमार बर्ड्स को अच्छे बर्ड्स में कभी भी नहीं रखना है दोस्त। इसीलिए मैं सारे बीमार बर्ड्स को मैं ले रहा हूँ, अलग पार्टीशन में डालूंगा। इसे देखिए दिख रहा है इसे फॉल फॉक्स, इसे नहीं दिख रहा है, मे बी इसे नहीं है टोटल, मे बी ये बर्ड को हुआ है। हाँ, नाक के ऊपर दिख रहा है थोड़ा सा, तो जो भी एक भी फूसी दिखी ना आपको, बिल्कुल पूरे बर्ड्स को ले लेना है दोस्त। जो भी बर्ड को, बीमार बर्ड जो रहते हैं फॉल फॉक्स की, वो डिसीज वाले बर्ड्स को बिल्कुल ले लेना है आपको। ताकि आप एक बात ध्यान से याद रखिए, जब कम बीमारी रहती है ना, कम बीमारी रहे जब भी आप आराम से बर्ड्स को पकड़ लेकर ट्रीटमेंट करोगे ना, बेशक जल्दी से कम हो जाएगी। अगर से बीमारी तेज़ हो जाए ना, उसके बाद आप इलाज करने बैठोगे तो बहुत, मतलब बहुत कम बर्ड्स बचेंगे। इसीलिए जल्दी फ़ौरन एक्शन लेना है। अभी आपको फॉल फॉक्स के जो भी दाग है ना, उसको ठीक करने के लिए इस तरह से नीम का पत्ता प्लस हल्दी, जो सालन में डालते हैं हम हल्दी, वो हल्दी को दोनों को मिलाकर जिस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा है, इस तरह से ग्राइंड कर लेना है आपको, पीस लेना है। आप पत्थर पे भी पीस सकते हो, उखली में भी पीस सकते हो, मिक्सी में उतना अच्छा पीसे नहीं जाएगा। आराम से अच्छे से इस तरह से मेहंदी के टाइप पीस कर मुर्गी को उसके मुँह के ऊपर पूरा लगा देना है दोस्त। आँखी में चले गए तो आँखी जाएगी क्या भाई, कहकर डाउट आएगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत गए तो भी, बट आपको ध्यान देना है ज़्यादा नहीं देना है, ताकि थोड़ा सा तकलीफ होगी उसे, मृत्यु तो नहीं होगी, थोड़ा सा तकलीफ होगी। इस तरह से मुर्गी को फेस पे पूरा अप्लाई कर देना है। और यहाँ पर आपको दो डाउट्स आएंगे दोस्त। पहला डाउट क्या रहेगा, नीम के पत्ते में हल्दी कितनी मिलाना चाहिए कहकर। देखिए एक चमचा आप नीम के पत्ते का पेस्ट ले रहे हो तो एक पाव चमचा यानी 25% हल्दी मिलाना है। थोड़ा कम ज़्यादा चलेगी, पर 25% से कम मत होने दीजिए हल्दी। दोनों को एक साथ मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कर मुंह के ऊपर जैसे वीडियो में दिखाई दे रही है मुर्गी, उस तरह से आपको अप्लाई कर देना है। भाई कितने बार अप्लाई करना चाहिए, डेली सुबह और नाइट में दो टाइम लगाइए, 5 दिन तक लगाइए दोस्त। 3 दिन में ही कम हो जाएगा,
बट अगर सर बीमारी ज़्यादा है तो कंपल्सरी 7 दिन भी लग सकता है दोस्त, मतलब दाग जाने के लिए। इसीलिए बड़े मुर्गियों को जब फॉलफॉक्स होता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ सेम इसी तरह से पेस्ट बनाकर लगाइए। और जो छोटे चिक्स रहते हैं 1 महीने के नीचे के, उनको थोड़ा सा डेंजर ज़्यादा रहता है दोस्त, उनको भी सेम इसी तरह से मेडिसिन लगाना है जो पीस कर जिस तरह से बताया हूँ मैं। और एक मेडिसिन भी डाल सकते हो फॉलकोजोन कहकर, पर ये ज़्यादातर वेटरनरी शॉप्स में नहीं मिलेगी दोस्त, ताकि ये होम्योपैथी की मेडिसिन रहेगी। इसीलिए जो वैक्सीन्स है ना, जैसे कि रानीखेत का वैक्सीन हो जाए, लसोटा गंबोरो और फॉलफॉक्स, इस तरह के बीमारियों को क्या है एक पर्टिकुलर दवा नहीं बनी है, इसीलिए वैक्सीन करते हैं हम। दवा बनी होती तो वैक्सीन किस लिए करते थे हम, डायरेक्ट क्या करते थे हम, दवा लाकर डालकर कम कर लेते थे। देखियो ना दोस्त आज का वीडियो इस तरह से, ये पेस्ट कंटिन्यू 5 डेज लगाइए। नाइट में एक बार लगाए तो भी चल जाएगा, बट 2 टाइम लगाने से क्या है थोड़ा जल्दी कम होगी बीमारी। तो इसीलिए डेफिनेटली जैसे बताया हूँ ऐसे करिए, कंटिन्यू करिए। 7 दिन के अंदर एक भी दाग नहीं दिखेगा आपको। कुछ कुछ बर्ड्स को थोड़ा सा 10 दिन भी लग सकता है, बट एक बर्ड की भी मृत्यु नहीं होगी इस तरह से आप अप्लाई करोगे तो पेस्ट। फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। और मेरे अगले भी वीडियोस आने के लिए सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल ज़रूर कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो रखूँ आप तक आ सके। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे। दोस्तों कल की टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, वो क्या रहेगी, हम अगर से जॉब कर रहे हैं, छोटी मोटी बाहर काम कर रहे हो, काम धंधा सब छोड़कर सिर्फ मुर्गी पालन पाल लेते, हम इनकम कमा सकते हैं क्या, कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, या हम काम छोड़कर मुर्गी पालन कर सकते हैं क्या, सिर्फ मुर्गी पालन कर एक ही मुर्गी पालन एक ही कर हम खर्चे निकाल सकते हैं क्या, अच्छे से इनकम कमा पाएंगे क्या। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्त। अगर से आपको कहीं आप काम कर रहे हो किसी जगह पे, या वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, मतलब प्राइवेट में हो जाए कहीं पर भी हो जाए, तो वो जॉब छोड़कर हम ये सिर्फ मुर्गी पालन के भरोसे पे इनकम मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्या, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्त। ये गलती आप बिल्कुल मत करना, ताकि अब अभी बताऊंगा तो कल का वीडियो उतना इंपॉर्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, इसलिए कल का वीडियो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हाँ पर देखिए बट मेरे पैर के ऊपर बैठा है आराम से, तो यहाँ पर देखिए आँखी के पास, रुक जाओ मम्मा 2 मिनट, कुछ जाएगा मैं भी हो डर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ पर भी फॉक्स का दाग जैसा दिख रहा है मुझे, तो मे भी कल परसों अभी क्लियर से अच्छे से मालूम होगा हमें और बहुत सारे बर्ड्स को। यहाँ पर भी देखिए मे भी इसको भी थोड़ा सा मतलब चिक्कड़ जैसा लगा है, बट थोड़े बर्ड्स को एकदम फूंसी जैसा नज़र नहीं आ रहा है, तो मे भी कल परसों मालूम हो जाएगा हमें, ताकि जिसे भी फॉलफॉक्स आइए या नहीं आइए। ये अपने फार्म का नहीं होता है, ये घर के पास है, फार्म के पास के आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखे हैं बर्ड्स, 10 बर्ड्स को आइए और 10 बर्ड्स को सेपरेट निकाल कर इलाज कर रहे हैं हम उसका। तो अभी ये बर्ड्स को तो अच्छे ही दिख रहे हैं, बट आ सकते हैं इसे भी, अगर से आएंगे ना इनके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनेगा। तो देखते रहिए, मिस मत होना वीडियोज़।